दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव फिर से होना है। पिछले 3 बार सदन में हंगामे की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं कर सकेंगे। इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य विवाद इसी को लेकर था। दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बाद ये चौथी बैठक होगी। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ स्थायी समितियों के भी चुनाव होंगे। मामले पर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। ये चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाए जाएंगे। उपराज्यपाल ने इन चुनाव की अध्यक्षता करने के लिए पार्षद सत्य शर्मा को नामांकित किया है। मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओब्रॉय के साथ साथ आशु ठाकुर का भी पर्चा भरवाया है। वहीं बीजेपी से रेखा गुप्ता ने नामांकन किया है। डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से मोहम्मद इकबाल और जलज कुमार उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने कमल बागरी को चुनाव में उतारा है। स्थायी समितियों के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहिनी सारिका चौधरी, मोहम्मद आमिल मलिक और रमिंदर कौर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कमलजीत सहरावत और पंकज लूथरा को उतारा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ड्राल ने भी पर्चा भरा है। 7 दिसंबर को आए एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद 6 जनवरी, 25 जनवरी और 6 फरवरी को 3 बार मेयर चुनाव की कोशिश हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के झगड़े के चलते दिल्ली नगर निगम को मेयर नहीं मिल सका।